उत्तरकाशी के एक स्कूल में जब कुछ छात्राएं बेहोश होने लगी और उसके बाद चीखने चिल्लाने लगी तो स्कूल में हड़कंप मच गया। मामला उत्तरकाशी जिले के धोत्री उपतहसील के राजकीय इंटर कॉलेज कमत का है। यहां एक हफ्ते बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन यहां स्कूल के नए भवन में बैठते ही एक के बाद एक छात्राएं बेहोश होने लगी। बताया जा रहा है कि बीते दिनों में भी दो बच्चे बेहोश हो गए थे, लेकिन आज एक साथ करीब 10 छात्राएं बेहोश हो गई। शिक्षकों और अभिभावकों ने छात्राओं को बाहर निकाला और मैदान में ले आए। यहां छात्राएं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। अभिभावकों ने बताया कि सभी बीमार छात्राओं को अभिभावक देव पशवा के पास ले गए। वहीं शिक्षकों ने भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर समाधान की मांग की है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी उत्तराखंड के चंपावत जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। यहां चंपावत जिला मुख्यालय से 93 किलोमीटर दूर स्थित GIC रमक में कुछ छात्राएं एक साथ रोने चीखने और कक्षाओं में भागने लगी थी। वहीं कोई इस घटना को दैवीय प्रकोप बता रहा है तो कोई इसे मास हिस्टीरिया से जोड़कर देख रहा है। तुम्हारे अब नहीं सुनेंगे, हम अपने बच्चों को ले जा रहे हैं अभी, ठीक है, बाद में हम देखेंगे, ठीक है, फिर बाद में, हाँ, मीटिंग होगी होगी, घर से बाद में, मीटिंग होगी, यार एक दिन बाद सीने में लगा के, घर में बच्चों को ले जाओ, इन बच्चों को ले जाओ, इन बच्चों को ले जाओ, चलो इन बच्चों को ले जाओ, चलो, अजय भाई, बाजी बाजी, बाजी बाजी, तमाशा देख रहे गुरु जी है यहाँ तमाशा देखने के लिए सिर्फ। क्या आप लोगों को अपने बच्चों के प्रति कतई भी प्रेम नहीं है? इस प्रकार से ये गाड़ी भर के भेजी जा रही है यहाँ से, सारे लड़कियाँ इस अवस्था में है, आप लोग देख लीजिए। यदि आपको थोड़ी सी भी दर्द है इनके प्रति तो आइए, जल्दी आइए राजकीय इंटर कॉलेज कमर में आइए। बहरहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको क्या कहना है इस मामले में, आप हमें जरूर बताएं। और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड, मैं निहारिका बिष्ट।